सो गाइज, मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि आप यूक्रेन के नंबर से आप अपना टेलीग्राम का अकाउंट कैसे बना सकते हो। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने जो अकाउंट क्रिएट किया था वो एक यूक्रेन के नंबर से किया था और वहां पर मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताया था कि कैसे आप अपना अकाउंट बना सकते हो। लेकिन अभी बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि जो सेफिम एप्लीकेशन है उसमें दो कंट्री मिल रहे हैं, वो एक और कंट्री का नंबर मिल रहा है जिसका कंट्री कोड है 371। तो इसके नंबर से हमारा टेलीग्राम का अकाउंट क्रिएट होगा या नहीं, चलिए इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक VPN डाउनलोड कर लेना होगा। इस VPN का नाम है IFVPN, जो कि आपको प्ले स्टोर में आसानी से फ्री में मिल जाता है। और इस VPN को डाउनलोड करने के बाद आपको जो सर्वर रखना है यूनाइटेड स्टेट का रखना है। तो यहाँ पर जो मैं सर्वर रखूँगा यूनाइटेड स्टेट रखूँगा। कुछ आप इस तरह से मुझे फॉलो कर सकते हो। आपको नंबर लेना पड़ेगा सबसे पहले SafeVM एप्लीकेशन में। वेलकम बैक। सबसे पहले आपको VPN कनेक्ट करने के बाद आपको ये जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना होगा। इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। साइनअप पर क्लिक करके आपको सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन करना होता है। तो आप एक यूनिक सा यूजर नेम लिखिएगा और पासवर्ड में ऊपर और नीचे सेम रख करके सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब बहुत सारे भाई यहाँ पर आकर फंस जाते हैं। बिगेन टू यूज का ये जो ऑप्शन है आपको यहाँ पर क्लिक करना है कम से कम 3 से 4 बार। अगर नहीं होता है तो इस एप्लीकेशन का डेटा क्लियर कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एरर देखने को मिल रहा है। तो आपको ये यहाँ पर जो ऑप्शन है बिगेन टू यूज का एरर के बाद फिर से इनेबल हो जाता है। यहाँ पर 2 बार मैंने क्लिक किया, फिर से प्लीज ट्राई अगेन पर क्लिक करेंगे। यानी कि अगर आपको यहाँ से 4 से 5 बार कुछ इस तरह से एरर दिखाई दे तो ज़रूर आप इस एप्लीकेशन का डेटा क्लियर करके आप एक यूनिक सा यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके फिर से लॉगिन कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अब आपको देखने को नहीं मिलेगा एरर। अब हमें यहाँ पर आसानी से किसी 2 या 3 कंट्री में से एक कंट्री का नंबर मिल जाएगा। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि आपको यूक्रेन का नंबर कैसे मिलेगा और अपना टेलीग्राम का अकाउंट आप कैसे बना सकते हो। यहाँ पर कुछ इस तरह से डिस्प्ले ओवर द एप्स का ऑप्शन दिखाई दे तो आपको यहाँ पर फाइंड करके SafeVM एप्लीकेशन को यहाँ पर अलाउ डिस्प्ले ओवर द एप्स का जो ऑप्शन डिसेबल रहता है उसको इनेबल करके बैक आ जाना है। उसके बाद जो भी परमिशन मांगा जाएगा आप लोग अलाउ कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम सेटिंग में आते हैं और आप यह देख सकते हैं 371 ये जो मुझे नंबर मिला है लातविया कंट्री का मिला है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक एड देखने को मिलेगा तो इस एड को आपको प्रॉपर तरीके से वॉच करना है। ये एड आपको 30 सेकेंड से 5 सेकेंड का ये हो सकता है तो आप लोग सही तरह से वॉच कर लीजिएगा। चलिए, यहाँ पर जो नंबर मिला है इस नंबर को हम सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अपना जो टेलीग्राम एप्लीकेशन है इसको ओपन करेंगे और देखते हैं कि नंबर पर हमें OTP मिलता है या फिर नहीं। ठीक है, टेलीग्राम एप्लीकेशन को हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमें इसमें सबसे पहले स्टार्ट मैसेजिंग के ऊपर क्लिक कर देना है और चूज ए कंट्री में हमें यहाँ पर 371 यानी कि लातविया कंट्री को सिलेक्ट कर लेना होगा। नंबर को पेस्ट करेंगे जो कि हमने SafeVM एप्लीकेशन से कॉपी किया था। यहाँ पर पेस्ट करके स्टार्टिंग का जो कंट्री कोड है इसको कट करके हटा देंगे और इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे और देखते हैं कि नंबर वैलिड है या फिर इनवैलिड। यहाँ पर बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि वैलिड नंबर रहने के बावजूद भी OTP नहीं मिलता। आप लोग देख सकते हो कि नंबर तो वैलिड है लेकिन यहाँ पर जो दिक्कत है वो दिक्कत हमें देखने को मिल रहा है, वो टाइमर नहीं चल रहा है। यहाँ पर हमें OTP भी रिसीव नहीं हो रहा है जबकि मैं आप लोग को कल दिखाया था कि टाइमर भी चल रहा था और OTP भी हमें रिसीव हुआ था। ठीक है, सो गाइज, अगर आपका जो SafeVM एप्लीकेशन है उसमें अगर वैलिड नंबर आपको मेल भी जाता है तो एक चीज़ आपको ख्याल रखना है कि जिस नंबर के नीचे आपको टाइमर चलता हुआ दिखाई नहीं दे तो समझ लीजिएगा आपको वहाँ पर OTP नहीं मिलेगा। ऐसे ही अगर हम WhatsApp की बात किया जाए तो WhatsApp में सबसे पहले हम कंट्री को चेंज कर लेते हैं लातविया और इस नंबर को हम पेस्ट करके देखते हैं ये नंबर वैलिड है या फिर इनवैलिड। क्योंकि आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे हो कि यार यहाँ पर OTP नहीं मिल रहा है, तो अगर 371 इस कंट्री कोड का नंबर मिलता है तो WhatsApp में वैलिड तो रहता है लेकिन यहाँ पर हमें OTP नहीं मिलता है। तो इस नंबर से अभी आप अपना WhatsApp और टेलीग्राम का अकाउंट आप नहीं बना सकते। हाँ, स्टार्टिंग का जो दूसरे कंट्री का और नंबर है जैसे कि यूक्रेन का, तो उन सभी एप्लीकेशनों से अभी OTP ले सकते हो आप WhatsApp और टेलीग्राम के लिए।